ये सोनू तो याद होगा आपको, 11 साल का वो सोनू जिसकी 11 दिनों में ही पोल खुल गई। तो क्या जिस सोनू पर पूरा देश भरोसा कर रहा था वो सोनू देश की आंखों में धूल झोंक रहा था। सोनू के हजारों वीडियो वायरल हुए और आज भी हो रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने समझने की कोशिश की कि इस 11 साल के सोनू की सच्चाई है क्या? सोनू का वीडियो देखकर पूरे देश ने उसे भोला भाला बच्चा समझा, पूरे देश ने मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाए। लेकिन सवाल तो ये आज उठ रहे हैं कि सीएम नीतीश के सामने पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाने वाला सोनू सैनिक स्कूल के लिए एडमिशन की मांग पर ही क्यों अटका है? सोनू जिस सैनिक स्कूल के लिए सीएम नीतीश से उदारता चाहता है, उस सैनिक स्कूल का नियम जानते हैं क्या आप? नियम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले सोनू का वो वीडियो याद कीजिए जब वो सीएम नीतीश से जाकर मिला तो मांग की कि वो पढ़ना चाहता है, बस पढ़ना चाहता है। फिर ये सैनिक स्कूल की जिद कहां से आई और क्यों आ गई? इसका जवाब जिसने भी खोजा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जानते हैं क्यों? तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सोनू को लेकर हकीकत आपके सामने होगी। हैरानी इस बात की भी है कि जब सोनू को आईएएस बनना है तो फिर उसके लिए सैनिक स्कूल की ही जिद क्यों? ये सवाल आपके मन में उस वक्त नहीं आया होगा जब ये 11 साल का बच्चा सीएम नीतीश के सामने गिड़गिड़ा रहा था। सवाल बड़ा है। दरअसल पूरे देश में वायरल हो रहे सोनू की डिमांड है कि उसका एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाया जाए। वैसे तो सैनिक स्कूल में जाने की डिमांड तो बिना सीएम की सिफारिश से भी पूरी हो सकती थी, क्योंकि सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए गरीब और अमीर कोई मानक नहीं होता। मगर हकीकत यह है कि 11 साल के इस बच्चे ने ऐसा परपंच रच डाला कि पूरा हिंदुस्तान हैरान हो गया, क्योंकि आज पूरा देश सवाल कर रहा है कि क्या सोनू के लिए देश का सिस्टम बदल दिया जाए, और क्या कोई भी सीएम या पीएम से अपील करेगा, गुहार लगाएगा, तो क्या सीएम या पीएम के लिए किसी भी नियम को ताक पर रख दिया जाएगा? पहले इनसे मिलिए। ये बीजेपी के पूर्व सांसद आर के सिन्हा हैं। इनका देहरादून में इंडियन पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चलता है जिसकी फीस एक साल की 6 लाख से ज्यादा है। आर के सिन्हा सोनू से मिले, एक हफ्ते पहले ही मुलाकात हुई और सोनू को स्कूल में एडमिशन दिलाने की बात तक कह डाली। कहा कि हॉस्टल और रहने खाने पीने और किताबों तक का खर्चा उठाएंगे, वादा तक किया। लेकिन सोनू ने इतने महंगे स्कूल को भी ठुकरा दिया क्योंकि उसे सैनिक स्कूल में ही एडमिशन चाहिए था। चलिए अब सैनिक स्कूल का नियम भी जान लीजिए। नियम ये है कि सैनिक स्कूल में रक्षा मंत्री भी चाहें तो पैरवी से एडमिशन नहीं करवा सकते। और रही बात सीएम की, तो सीएम तो बहुत दूर की बात है। किसी भी राज्य के सीएम की वो ताकत वो कुवत नहीं है कि सैनिक स्कूल में अपनी पैरवी से एडमिशन करवा ले, क्योंकि ये सैनिक स्कूल का नियम है ही नहीं। पूरा नियम आगे आपको बताएंगे, मगर इतना जान लीजिए कि सोनू ने 5वीं की परीक्षा पास की और वो चाहता है कि उसका एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाए। लेकिन जानते हैं आप कि उसने ना तो अब तक कोई फॉर्म भरा और ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया। परीक्षा तो बहुत दूर की बात, जिनका एडमिशन होना था वो हो गया। अब सोनू रहम पर सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहता है, मगर हकीकत यह है कि सैनिक स्कूल में रहम के नाम पर कोई सीट नहीं मिलती, काबिलियत से मिलती है। एडमिशन होता है वो कैसे, तो अब वो भी जान लीजिए। ये सच है कि सैनिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना अभिभावकों का सपना होता है। देश भर में सैनिक स्कूलों में दाखिले का एक नियम होता है और वो नियम है ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जाम। आपको क्लियर करना होगा, यानी कि AISSE के माध्यम से ही आपका एडमिशन होगा। और ये प्रवेश परीक्षा हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। देश भर में सिर्फ और सिर्फ 33 सैनिक स्कूल हैं, जबकि 5 मिलिट्री स्कूल हैं। और हाँ, एक बात और, सैनिक स्कूल को अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सैनिक स्कूल 6वीं और 9वीं क्लास में दाखिला लेता है। 6वीं क्लास के लिए बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए और 9वीं क्लास के लिए उम्र सीमा 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। बकायदा परफॉर्मेंस और मेडिकल फिटनेस को देखकर देश के सैनिक स्कूलों में अब बेटियों का भी प्रवेश परीक्षा शुरू कर दी गई है। यानी एडमिशन लेने के लिए आपको परीक्षा पास करनी होगी, ना कि किसी सीएम या मंत्री के सामने पैरवी करनी होगी। सैनिक स्कूल का एक ही पैमाना है और वो क्या है, आपके सामने है। मतलब साफ कि हमारे देश में सेना अपने हिसाब से सैनिक और अधिकारी तैयार करती है, तो इसलिए सोनू की चाहत है कि वो सैनिक स्कूल में पढ़े, मगर काबिलियत पर नहीं। वो दया के आधार पर एडमिशन चाहता है, मगर वो खुद ही काबिलियत से ज्यादा मीडिया के प्रपंच पे
फंसता चला गया। चलिए अब उसी सवाल पर लौटते हैं जो हमने आपसे पहले किया था कि सोनू को आईएएस बनना है तो फिर वो सैनिक स्कूल के लिए क्यों जिद कर रहा है? सोनू किसी भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़कर आईएएस बन सकता है। ऐसे देश में कई उदाहरण हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले डीएम तक बने, तो फिर सैनिक स्कूल क्यों? मतलब साफ है कि सैनिक स्कूल किसी सोनू मोनू को नहीं जानता, वो काबिलियत के पैमाने पर एडमिशन लेता है और किसी भी सोनू को अधिकारी बना देता है। कहने वाले कहते हैं कि सोनू की सच्चाई तो जल्दी सामने आ जाएगी। दावा ये तक किया जा रहा है कि सोनू के पास करोड़ों की जमीन है, लेकिन जब हमने पड़ताल की तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। गलती सोनू की सिर्फ इतनी है कि सोनू को किसी ने बताया होता कि सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे मिलता है। अगर उसे ये पता होता तो यूं चौराहे पर उसका मजाक नहीं बनता, लेकिन सोनू का ये हाल देखकर तरस कम और चिंता ज्यादा होती है कि जो वो चाहता है अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करता, मगर आज वो नौटंकी के खेल का किरदार बनकर रह गया। ये अफसोस रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।